उस रेफरेंस पॉइंट में एक एक करके स्टिकर्स को अटैच करूंगा। अभी देखिए यह रोड मार्कर को छोड़ के दाहिने तरफ घिस के गाड़ी चला रहा है और राइट साइड में रोड थोड़ा खराब है, तो भाई साहब अभी मुझे साइड दिया और अभी मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये होंडा सिटी काफ़ी स्लो चल रही है, मैं एक्चुअली राइट साइड से जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा हाथी मुझे ओवरटेक किया, अभी मुझे लेन खाली मिला राइट साइड का। ये बस अचानक से रुक गया था। देखिए अभी ये दोनों के बीच से मैं कैसे निकलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं गाड़ी का लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट के बारे में बताऊंगा, और ख़ास करके अगर आप एक लर्नर ड्राइवर है तो आपको मैं एक ऐसा निंजा टेक्निक के बारे में बताऊंगा, जिस टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही कॉन्फिडेंटली गाड़ी का लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट सीख जाएंगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा मैं किस तरह से ऑन द रोड गाड़ी का लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट करता हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, एंड तक देखते रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों टेप अटैच किया हूँ। लेफ्ट का जो टेप है वो वाइट कलर का मार्कर के बराबर जा रहा है, लेफ्ट साइड का टायर जिस रास्ते से जाते हैं, जिस रेखा बराबर जाते हैं, उसी रेखा को ये लेफ्ट साइड का टेप यूज़ करके मैंने मार्क करता हूं। और सेम तरीके से मैं ये राइट साइड का टेप यूज़ करके राइट टायर जिस रेखा बराबर चलते हैं उस रेखा को मार्क करता हूं। तो दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं ये दोनों टेप के अंदर का जो एरिया है इसे डेंजर जोन कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ अगर बहुत नज़दीक चले आते हैं और डेंजर जोन के अंदर चले आते हैं तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, इधर हम लोगों को दाहिने बाएं मुड़ना पड़ेगा और नहीं तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा। और दोस्तों ये टेप का जो बाहर का जो एरिया है यहाँ पर अगर कुछ होता है तो उसके साथ हमारा टक्कर नहीं होगा, तो इसे दोस्तों हम सेफ जोन कहेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कैसे मैंने ये व्हाइट कलर का मार्कर के साथ अलाइन करके पार्क किया था, और इसे अलाइन करने के लिए मैं ये दोनों जो टेप है इसे इस्तेमाल करूँगा। देखिए अभी ये मार्कर थोड़ा इस तरफ है, दाहिने तरफ है, इसका मतलब गाड़ी और लेफ्ट साइड में जाएगी। अभी देखिए अभी ये बराबर हो चुका है लग रहा है मुझे देख के। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं आगे का टायर अलाइन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे का टायर भी बिल्कुल बराबर से अलाइन हो चुका है। यहाँ पर लेफ्ट में एक रिक्शा एंड राइट साइड में एक एसयूवी है, और ये एसयूवी राइट इंडिकेटर ऑन कर दिया, मैं सीधा जाऊंगा। तो देखिए अभी ये दोनों के बीच से मैं कैसे निकलता हूँ। देखिए काफ़ी जगह है, और कैसे मुझे ये समझ में आया आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे मेरा गाड़ी का विंड स्क्रीन में दो वाइट कलर का स्टिकर है, एक मिडिल में है और एक राइट साइड में है। तो ये दो स्टिकर मैं कैसे चिपकाया था वो मैं कुछ ही देर बाद आपको दिखाऊंगा। तो विंडस्क्रीन का मिडिल का जो स्टिकर है वो गाड़ी का लेफ्ट टायर का ट्रैक को दिखाते हैं, और विंडस्क्रीन का राइट साइड का जो स्टिकर है वो गाड़ी का राइट टायर का ट्रैक को दिखाते हैं। तो मैं कुछ ही देर बाद आपको दिखाऊँगा मैं किस तरह से ये दो स्टिकर को अटैच किया था और कितना एक्यूरेट था ये। तो यहाँ पर थोड़ा जैम है दोस्तों, और लेफ़्ट साइड में एक बोलेरो घुस रहा है, तो चलिए उनको मैं पास दे देता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत में जब आप ड्राइविंग करना सीखोगे तब आपको गाड़ी का लेफ़्ट एंड राइट टायर का रेफरेंस पॉइंट समझना ज़रूरत है। अभी देखिए ये बाइक लेफ़्ट स्टिकर के काफ़ी बाहर है, तो इसका मतलब ये सेफ जोन में था और मैंने ये बाइक को ओवरटेक किया। और अभी रास्ता थोड़ा खाली है, मगर यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जगह उतना नहीं है, और लेफ़्ट साइड में कभी कभी ऐसे गाड़ी पार्क्ड है, तो मैं इसलिए ये सामने वाला बोलेरो को ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ, तो इसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। और शुरू शुरू में आप जब ऐसा स्टिकर यूज़ करेंगे तो कुछ ही दिन बाद आपको जजमेंट समझ में आएगा,
जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते हैं और साइकिल चलाने के टाइम उनको दोस्तों सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, तो ये स्टिकर भी उसी तरह का एक सपोर्ट है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक सिग्नल है, नहीं सिग्नल नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ने लगा और देख सकते हैं मैं कितना स्मूथली ये छोटा हाथी को ओवरटेक किया। अभी यहाँ पर देखिए काफ़ी जगह है, मगर सामने वाला ये होंडा सिटी काफ़ी स्लो चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सका। अभी दोस्तों सामने एक सिग्नल है, तो चलिए देखते हैं ये जो मिडिल का जगह है यहाँ पर मेरी गाड़ी घुस सकती है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह है, फिर भी मैं आगे थोड़ा जगह छोड़ के रखा। अभी जस्ट सिग्नल ओपन हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कॉन्जेशन है एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में कट टू कट ट्रैफिक है और दोनों साइड से ओवरटेकिंग चल रहा है। तो मैं बस को आगे जाने दिया क्योंकि बस थोड़ा लॉन्ग व्हीकल है और अभी मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, ये होंडा सिटी काफ़ी स्लो चल रही है। मैं एक्चुअली राइट साइड से जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा हाथी मुझे ओवरटेक किया, अभी मुझे लेन खाली मिला राइट साइड का। ये बस अचानक से रुक गया था तो मैं उनके पीछे अटक गया था। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर देखिए कैसे ओवरटेक करूँगा। तो फिर से होंडा सिटी आगे आ गया। अब पता नहीं ये होंडा सिटी वालों को क्या प्रॉब्लम है, ये इतना पावरफुल कार है तो ये ऐसा धीमे धीमे क्यों चलता है मुझे पता नहीं। मुझे लगता है आई डोंट नो, दे आर प्रोबली ओवर कॉशस अबाउट देयर कार्स। तो यहाँ पर मैं सीधा जाऊँगा, आप देख सकते हैं अभी देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह है। तो मैं स्टिकर को देखा और स्टिकर का मिडिल में नहीं था, मिडिल का जगह खाली था और लेफ्ट एंड राइट साइड जिसे मैं सेफ जोन कहता हूँ, सेफ जोन में ये जो बस है ये अभी आ गया। तो मैं यहाँ पर बेफिक्र आगे बढ़ने लगा। तो अभी रास्ता काफ़ी खाली है तो मैं यहाँ पर थोड़ा पुल कर रहा हूँ, आगे शायद एक सिग्नल है और मैं सिग्नल में रुकना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा पुलिंग किया। तो दोस्तों अभी जब आप मेरा ड्राइविंग देखेंगे तब आपको लगेगा कि मैं किस तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये किसी एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर आप ये बाइक को देख सकते हैं, इसे मैं अभी ओवरटेक किया और ये स्टिकर देख के बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंट मिल गया और मैं इनको ओवरटेक किया। जब भी मुझे लगा वो सेफ जोन में है तो मैं बेफिक्र आगे बढ़ने लगा। अभी दोस्तों यहाँ पे रोड थोड़ा कॉन्जेस्टेड है, तो अभी आप देखिए मैं किस तरह से इनको ओवरटेक किया। आगे लग रहा है एक सिग्नल है, मुझे थोड़ा कॉन्जेशन दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ मेरा ये रेफरेंस पॉइंट्स को नोटिस कीजिए और मैं किस तरह से दूसरों को ओवरटेक कर रहा हूँ या पास दे रहा हूँ ये नोटिस कीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा मैं किस तरह से ये दोनों रेफरेंस पॉइंट को यूज़ करके गाड़ी चला रहा हूँ। अभी देखिए ये गाड़ी काफ़ी लेफ्ट साइड में है तो मैं इसे आसानी से ओवरटेक किया। अभी यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैंने गेट डाउन किया और थोड़ा पिकअप लेके आगे बढ़ना शुरू किया। तो फिलहाल मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड से ऑटो रिक्शा बाइक्स ये सब चल रहा है, तो मैं अभी देखता हूँ हो सकता है या नहीं। नहीं अभी नहीं हुआ, सामने कुछ स्लो व्हीकल्स है, शायद वो लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। चलिए अभी इनको मैं ओवरटेक किया, अभी मुझे तुरंत राइट साइड में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बहुत ही क्विकली राइट में मैनूवर किया और आगे बढ़ना शुरू किया। अभी देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये छोटा ट्रक काफ़ी दूर है, मेरा लेफ्ट का जो मार्कर है उससे काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब वो गाड़ी अभी सेफ जोन में है। तो बस भी काफ़ी दूर था, अभी मैं आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे मैं थोड़ा एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे एक सिग्नल है,
तो सिग्नल है इसलिए मैंने हैजार्ड लैंप यूज़ किया, क्योंकि मैं स्लो डाउन किया गाड़ी को और यहाँ पे रुक गया। सिग्नल अभी जस्ट ओपन हुआ और आप देख सकते हैं सामने ये जो टैक्सी लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन किया था, तो मैं थोड़ा रुक गया था, अभी मैं उनको ओवरटेक किया। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कॉन्जेशन है, तो मैं यहाँ पर इनको ओवरटेक करूँगा। राइट साइड में चल रहे थे वो ऑल्टो गाड़ी और वो काफ़ी स्लो चल रही थी, लेफ्ट साइड में मुझे प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत कॉन्जेशन है, मैं चाहता हूँ राइट साइड से ओवरटेक करने के लिए, मगर राइट साइड से कुछ स्लो गाड़ी चल रही है। अभी देख सकते हैं लेफ्ट साइड से ये दो कार्स थे वहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने के लिए खड़ा था, मैं इनके आगे जाना चाहता हूँ, ये ब्रेक अप्लाई किया। अभी देखिए ये रोड मार्कर को छोड़ के दाहिने तरफ घिस के गाड़ी चला रहा है और राइट साइड में रोड थोड़ा ख़राब है, तो भाई साहब अभी मुझे साइड दिया। अभी मैं लेफ्ट साइड में गया, ये वागनर भी काफ़ी स्लो चल रही है, तो मुझे लेफ्ट साइड से इनको ओवरटेक करना पड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मार्कर यूज़ करके कितनी आसानी से लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट कर रहा हूँ। जब मैं ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा हूँ तब मार्कर देख के मुझे बिल्कुल पता चल रहा है मेरा गाड़ी का पोजीशन कहाँ है और लेफ्ट राइट साइड में काफ़ी जगह है या नहीं। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से ये मार्कर को अटैच किया था और किस तरह से मैं जजमेंट करने के टाइम ये मार्कर को समझता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं गाड़ी का आगे का पहिया के सामने दो पत्थर रखा हूँ, एक पत्थर मैं पहिया का जो ट्रैक है उसके साथ अलाइन करके रखा हूँ और साइड में जो पत्थर है वो मैं गाड़ी का ORVM के साथ अलाइन करके रखा हूँ। और दोस्तों सेम तरीका यूज़ करके गाड़ी का लेफ्ट साइड का पहिया के साथ अलाइन करके मैं और एक पत्थर रखा हूँ और लेफ्ट साइड ORVM के साथ अलाइन करके दूसरा एक पत्थर मैं रखा हूँ। दोस्तों एक मास्किंग टेप मैं लेके आया हूँ और ये टेप को मैं छोटा छोटा पीस करके यहाँ पर रखा हूँ, तो मैं मार्किंग करने के लिए इस टुकड़ों को विंड स्क्रीन के ऊपर चिपकाऊंगा। अभी मैं धीरे धीरे कार को रिवर्स में लेके जाऊंगा और गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट रख के रिवर्सिंग करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा कार का स्टीयरिंग अभी बिल्कुल स्ट्रेट है। गाड़ी को रिवर्स करते हुए मैं ऐसा एक पोजीशन में लेके जाऊंगा जहां से वो चार पत्थर मुझे प्रॉपरली दिखाई दे। अभी मैं गाड़ी का इंजन बंद किया और यहाँ से मैं वो चार पत्थर को प्रॉपरली देख सकता हूँ। अभी मैं एक एक करके ये मास्किंग टेप्स को यहाँ पे स्टिक करूँगा और उसी जगह पे स्टिक करूँगा जहाँ पर यह पत्थर का जो लाइन है ये लाइन और विंड स्क्रीन का लाइन मर्ज कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे ये दोनों पत्थर एक दूसरे के बहुत करीब है, तो ये दोनों पत्थर के बीच का जो जगह है ये बहुत ही कम है। तो स्टिक करने से पहले मैं इस जगह को कपड़ा से थोड़ा साफ कर लूँगा। कैमरा का लेवल थोड़ा 19-20 है, मगर अभी ये जो पत्थर का जो लेवल है मेरा आई लेवल के बराबर आ चुका है। तो अभी मैं जो रेफरेंस पॉइंट निकाला उस रेफरेंस पॉइंट में एक एक करके स्टिकर्स को अटैच करूँगा। ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट का स्टिकर है। अभी मैं राइट साइड में और एक स्टिकर को स्टिक किया। मैं पहले सोचा था चार स्टिकर यहाँ पे स्टिक करूँगा, मगर ये दोनों पत्थर के बीच में जो गैप है ये गैप इतना नैरो है जो कि ये जो स्टिकर का विड्थ है ये विड्थ से ही कवर हो रही है।